लास्ट वीडियो में हमने 110 तक एमसीक्यूज कर लिए थे, नाउ 111 है हमारे पास के। अ फ्लाई विल गेन अ स्पीड ऑफ 540 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 6 सेकंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास के अल्फा, ठीक है, नो एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारे पास होता है। एंगुलर वेलोसिटी का ही हमारे पास क्या कह रहा है कि 540 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो डेल्टा डब्ल्यू 540 मैं पुट कर लूँगा, मल्टी रेवोल्यूशन में 2 पाई नीचे 60 और टाइम 6 है, ठीक है, नो बस 60 के साथ एक जीरो गया और ये 6 6 9 में 54 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 3 9 और 3 पाई रेडियन पर सेकंड बच रहा है, ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा फिर हमारे पास आ जाएगा 112 में हमारे पास कह रहा है कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज टाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, इट इज विद इन अ वर्टिकल सर्कल, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज 4, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। एक तो टॉप मोस्ट पॉइंट में हमारे पास जो टेंशन होगी ना वो सबसे कम होगी, ठीक है, पहले भी हम यही इसमें किस में कम है टेंशन ए है, तो आप सीधा ए पुट कर दो, बट सॉल्व करना हमारे पास ज़रूरी होता है, ठीक है, तो फार्मूला पुट करो एम वी स्क्वेयर बाई आर माइनस एम जी, ठीक है। अब वेलोसिटी दी हुई है ना इसने 1 मीटर 0.5 kg, वेलोसिटी ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 4, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, रेडियस इसने 1 मीटर दिया हुआ ना लेंथ, वी स्क्वायर में टॉप मोस्ट पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, जी आर होती है ना, आप जी आर भी यहाँ पे वी की जगह पे पुट कर सकते हो, और स्क्वायर तो छोटा जाएगा ना स्क्वायर रूट के, सिर्फ जी आर, जी में वैल्यू पुट कर दो, आर में वैल्यू पुट कर, इससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, और यहीं आपके पास 3 न्यूटन ही आएगा। फिर हम चलते हैं कि फिर है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बाई कीपिंग इटसेल्फ अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स इन अ गिवन प्लेन, इट्स मोशन इज, ये मोशन हमारे पास ओनली इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, सो ए ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अच्छा एक पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बाय कीपिंग इटसेल्फ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा देखो ना, ठीक है, सर्कुलर मोशन है हमारे पास, बस सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद फिक्स एक्सिस, तो ये सर्कुलर मोशन में हमारे पास फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो होता है, तो हम ये सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है विद फिक्स्ड एक्सिस हमारे पास। अच्छा फिर हम चलते हैं सेल्फ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट गिवन प्लेन इट्स मोशन इज, अच्छा फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रिलेशन इज इक्वल टू आर एक्सेलरेशन होल्ड द एक्सेलरेशन ए इज, ये एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन जो है ना हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 4 मीटर इन डायमीटर हैज वेलोसिटी ऑफ दिस द एंगुलर वेलोसिटी, अगेन ये वाला फार्मूला सिंपल पुट करो आर ओमेगा, डायमीटर 4 दिया हुआ है ना, तो इसमें हमारे पास 2 टाइम ऑफ आर होता है, इधर आर में आप डायमीटर होता है हमारे पास 2 टाइम ऑफ आर, ठीक है, आर हमारे पास हो जाएगा 2, और डायमीटर 4 है 2 मीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इधर डायमीटर से पहले रेडियस निकाल लो, वो इसमें पुट कर लो, एंगुलर वेलोसिटी 1600 सेंटी के साथ 2 जीरो कट जाएंगे, इधर पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा, और इसमें हमारे पास आता है 8। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई विल मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, कितने क्वेश्चन हमने किए, 120 रेवोल्यूशन 2 पाई होता है, मिनट क्या है 60, इसको सॉल्व करो, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। और 117 में इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, a rigid body is rotating about an axis of rotation, the ratio of angular acceleration of point A that of point B, rigid body hai na, to rigid body ke liye hamare paas ye 1:1 hota hai, theek hai, so same angular acceleration 1:1, a option hi correct hai, a wheel rotate about an axis passing through the center and perpendicular to the plane with slowly increasing angular speed, thus it has, to iske bare mein hum kya kahenge ki to the center perpendicular with slowly increasing angular speed, एंगुलर स्पीड की इंक्रीजिंग की बात कर रहा है ना,
तो एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट होंगे क्योंकि इंक्रीजिंग की बात कर रहा है ना, तो टेंजेंशियल भी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से हमारे पास सेंट्रीपिटल आएगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो हमारे पास फिर टेंजेंशियल भी होगी, तो दोनों ही होंगे। फॉर पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन जब होगी तब हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर है कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 8 मीटर पर सेकेंड, इफ द डायमीटर ऑफ इट्स वेस टू इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू आर, अल्फा वाला फार्मूला पुट करो, आर में अगेन डायमीटर से आर निकाल लो, ठीक है, इससे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमारे पास आता है 8, ठीक है। व्हेन अ व्हील 1 मीटर इन डायमीटर मेक्स 30 द लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर में फिर डायमीटर दिए हुए, डायमीटर से आर निकालो, ओमेगा 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, 30 रेवोल्यूशन का मतलब है 30 × 2π/60, इसको सॉल्व करो, इससे हमारे पास जो आंसर आता है π/2। 10 सेकेंड आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन द फैन रोटेट एट 300, इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसके पास हमारे पास कितनी होगी, 9 एंगुलर एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, सिंपल इसमें पुट करो, हमारे पास फाइनल क्या दे रहा है, 300 दे रहा है ना, टू आफ्टर इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन, अच्छा फाइनल दे रहा है हमारे पास, और इनिशियल हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि पहले तो रेस्ट में था ना, 300 रेवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब है 300 × 2π/60, और टाइम हमारे पास 10 सेकंड दे रहा है, ये भी 10, 60 एक कट जाएगा, 0 इसके साथ कट जाएगा, और 3 × 6 ये कट जाएगा, सिर्फ पाई बच रहा है, 3 × 6 6π और नीचे 6 बच रहा है, तो हमारे पास क्या आंसर बच रहा है, इसमें पाई 3.14 होता है, बी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इन लोगों ने पाई नहीं दिया था। 124 है कि एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर हावर फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, पाई बाई 6, ये तो आपको याद होना चाहिए, 2π/12 होता है ना, और ये पाई बाई 6 हमारे पास बच जाएगा, ना ना सॉरी 24 रेडियन हावर फॉर डेली, डेली रोटेशन हमारे पास 24 हावर में होती है ना, 2π/24 और ये पाई बाय 12 हमारे पास हो जाएगा, डी ऑप्शन। द शाफ्ट ऑफ मोटर रोटेट एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 एवरेज एंगल टर्न थ्रू 1 सेकंड इज, तो 360 रेवोल्यूशन क्या है, 2π/min का मतलब है 60, गया 6 × 6 = 36, 6 × 36 = 12, 12π हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास दे रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड, मिनट हैंड 2π/60 होता है, यानी π/30 हो जाएगा, अच्छा इसने हमारे पास सेकंड में पूछा हुआ, ठीक है, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × 3 = 18 और 0 × 0 = 1800 हो जाएगा, π/1800 या 2π/3600 भी हम कर सकते हैं, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू एंड स्पीड वी, विच एक्सप्रेशन गिव्स अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी ओमेगा भी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है, ये आर ओमेगा स्क्वायर या हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, द फोर्स विच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द मड इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स ही हमारे ना, द फोर्स विच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द मड, मड और टायर के दरमियान हमारे पास जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके दरमियान हमारे पास एडहेसिव फोर्स होती है, ठीक है, और जो सेम मॉलिक्यूल उनमें हमारे पास कोहेसिव फोर्स होती है, तो ये याद रख लें आप लोग। 130 में हमारे पास कह रहा है कि अ स्मॉल स्फीयर इज अटैच्ड टू अ कॉर्ड एंड रोटेट इन अ वर्टिकल प्रोपोर्शन, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज द कॉर्ड इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, तो जहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ब्रेक करेगा, ये लोवेस्ट पॉइंट जो है ना बी, यहाँ पे हमारे पास टेंशन मैक्सिमम होती है इसलिए यहाँ पे ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अ स्टोन ऑफ मास एम टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज रोटेटेड इन अ सर्कल विद अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर, द स्पीड ऑफ द स्टोन इज वी, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन विल मूव, तो जब भी ब्रेक करते हैं ना वो अलॉन्ग द टेंजेंट हमारे पास मूव करता है, ठीक है। फिर है कि द मड फ्लाइज ऑफ द टायर फास्ट मूविंग कार इन द डायरेक्शन, तो अभी हमने कहा कि कौन से डायरेक्शन में हमारे पास मूव करते हैं, टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं। टू बॉडी ऑफ मास 10 kg and 5 kg मूविंग इन अ कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एंड सच दैट देयर बॉडी आर द सेम, देन द रेशियो बिटवीन देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ क्या ताल्लुक है, और
कह रहे कि पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड की बात करें तो फिर हमारे पास ए इज सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर के साथ डायरेक्ट है, तो आर और आर डायरेक्ट रिलेशन है, ए ऑप्शन ही हमारे पास सही हो जाएगा। आकार मास दिए हुए, वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस दिए हुए, सेंट्रिपिटल फोर्स सिंपल फार्मूले में पुट करो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इससे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है या आर ओमेगा स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर वन आर टू रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड है तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के साथ इनवर्स है, तो आर टू बाई आर वन होगा, ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। द डायग्राम represent the moon in its orbit around that, which arrow represent the direction of the resultant force, तो वो centripetal force होती है और वो हमेशा toward center होती है, ठीक है, तो ये A वाला option, ये C वाला option correct है, but ये force ये A वाली है, ठीक है। तो 137 में C option ही हमारे पास correct है। फिर 138 है हमारे पास कि a particle moving in a circle of radius 25 सेंटीमीटर रेवोल्यूशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड, आर 25 दे रहा है ना, सेंटीमीटर है तो नीचे 100 लिख लेंगे, रेवोल्यूशन 2 पाई हमारे पास होगी, 2 कम 2 2 50 100, 25 कम 25 25 दोनों 50, सॉरी गलत तो नहीं कर रहे, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, चलो सब एक मिनट, 25 डिवाइडेड बाई 100, ओमेगा स्क्वायर है ना 2 रेवोल्यूशन, मतलब 4 पाई स्क्वायर हो जाएंगे, 25 से कम 25 25 400 चार चार कट जाएगा, पाई स्क्वायर सिर्फ बचता है, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। गलत कर लिया हमने, फिर 25 डिवाइडेड बाय 100 2 रेवोल्यूशन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई होगा, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर, अब करो 25 से कम 25 25 400 और दो दो चार चार का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, 16 पाई स्क्वायर, चार एकम चार 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 16 4 पाई स्क्वायर, ये सी ऑप्शन हम सिंपल फार्मूले में पुट करना है, बाकी सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। अ स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम स्ट्रेट एट द एंड ऑफ लेंथ 1 मीटर, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं हमारे पास, ठीक है, टेंशन भी तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड करता है, मास दिए हुए, लेंथ दिए हुए, विदर इनर्जन विद फ्रीक्वेंसी था, अच्छा देखो ना टेंशन क्या होता है, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, वी में आर ओमेगा पुट कर लो, यानी एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, एक आर कट जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वेयर, एम आर ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, ओमेगा में हम पुट कर लेते हैं 2 पाई एम आर, ओमेगा में 2 पाई का स्क्वेयर और नीचे टी पुट करना है, टी स्क्वेयर, ठीक है, बस इसमें अब सिंपल पुट करो, एम हमारे पास कितना दे रहा है, 250 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, 0.25 ग्राम हो जाएगा, आर तो 1 है वो तो चला जाएगा, पाई स्क्वायर रहने दो क्योंकि इधर भी रह रहा है, 4 है हमारे पास टाइम पीरियड कितना दे रहा है, 30 फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, हमने तो बहुत फार्मूला नहीं खोल लिया, इसको मैं एक मिनट साफ कर लूँ, ये मैं खुद कर देता हूँ। अच्छा दे रहा है हमारे पास के स्टोन ऑफ मास हमारे पास 0.25, या 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आर चलो 1 है उसको छोड़ो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है ना 30 रेवोल्यूशन 2π 60, तो इसका हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अब मैं कर लेता हूँ 0 0 1 कट जाएगा, 3 कम 3 दो ने 6 2 2 कट जाएगा, पाई स्क्वायर बचता है 1/4 पाई स्क्वायर मेरे पास बच रहा है, 1/4 पाई स्क्वायर है, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, सिंपल आगे टाइम पीरियड में नहीं जाना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इज, तो ये सारे एम वी स्क्वायर बाई आर एम आर ओमेगा स्क्वायर ये दोनों फार्मूले हमारे पास यूज होते हैं, सो डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। A part in an engine is rotating in a circle of radius or angular acceleration lean centripetal acceleration. तो AC is equal to R alpha हमारे पास होता है, ठीक है,
रेवोल्यूशन पर मिनट दी आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होते सिंपल, इसमें पुट करो जैसे इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास एक इंजन फ्लाई व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस द लीनियर। फिर अगेन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आर से डायमीटर से रेडियस निकालोगे, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा 145। द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट वेलोसिटी वी सडनली सीज अ ब्रॉड वॉल इन फ्रंट ऑफ हिम एट अ डिस्टेंस दे शुड, तो वो क्या करेगा, ब्रेक हमारे पास अप्लाई करेगा या टर्न शार्पली, क्योंकि देखो ना अगर वो टर्न लेगा फिर तो उसकी गाड़ी उलट जाएगी क्योंकि बहुत स्पीड से होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी प्रोवाइड फ्रिक्शन पे नहीं कर सकता, तो ब्रेक इज द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है। और अगर रास्ता ज़्यादा होगा फिर तो टर्न ले भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े मोड़ पे फिर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ऐसे छोटा मोड़ हो उस पर अगर आप स्पीड से मोड़ काटो तो आप लोग जख्मी हो सकते हो, गिर सकते, अगर बड़ा मोड़ हो ना फुल स्पीड से काटो ना फिर आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास है कि अ पार्टिकल पी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विद यूनिफॉर्म स्पीड वी सी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज डायमीटर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी एंड अबाउट ए एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ, पार्टिकल पी की बात कर रहा है, पी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज डायमीटर, सही, सी सेंटर है हमारे पास, ए और बी जो है ना वो इसका डायमीटर है, ये हमारे पास इस तरह, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए एंड सी, ए और सी पे हमारे पास इसकी क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू, वेलोसिटीयां तो सेम हो जाएंगी, सिर्फ हम क्या लेंगे रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस के साथ इनवर्स है ना, नो एक तो हमारे पास हाफ होगा रेडियस और एक तो हमारे पास फुल है, नो एक हमारे पास हो जाएगा आर बाय टू और एक तो वहीं हमारे पास आर हो जाएगा, तो आर कट जाएगा सिर्फ 1/2 हो जाएगा, नो 1:2, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। 145 एस स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ लेंथ एल, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज टू बी इंपॉर्टेंट टू द बॉल फॉर इट रीच टू द हाइट ऑफ सस्पेंशन, सो मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, कितनी हम प्रोवाइड करेंगे, कह रहा है कि हमारे पास स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय MgH, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में, मास कट जाएगा, वी हमने मालूम करना है 2gh अंडर रूट, सो 2gh ये तो हमने आपस ये इसी चैप्टर में है, और अगर फोर्थ वाले चैप्टर में भी हमने बहुत पढ़ा है, थर्ड वाले चैप्टर में भी हमने ये पढ़े, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट क्या है 2π/60 या π/30, ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज रिलेशन इज इनकोरेक्ट वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, कौन सा हमारे पास करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर रिलेशन इज इनकोरेक्ट, कौन, v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, t इज इक्वल टू r क्रॉस f, l इज इक्वल टू, नो द करेक्ट फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज l इज इक्वल टू r क्रॉस p, आर क्रॉस पी हमारे पास, आर क्रॉस ओमेगा तो कोई हमारे पास नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग फार्मूला है, ठीक है, बाकी में अगर हम वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर सी इधर ऊपर माइनस अगर हम पुट करके फिर सही हो सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टोन ऑफ मास एंड ऑफ स्ट्रिंग लेंथ इज वीर हॉरिजॉन्टल विद द फ्रीक्वेंसी, अगेन वही क्वेश्चन आई थिंक हमने ऊपर किया, पाई स्क्वायर बाई फोर आंसर था इसका, ऊपर जाते हैं, ये देखो 139 वाला क्वेश्चन हमने इधर ऊपर किया हुआ, ठीक है, अ साइक्लिस्ट टर्न अराउंड अ कर्व एट 15 माइल्स पर आवर इफ टर्न एट डबल एट द स्पीड द टेंडेंसी टू ओवरटर्न, कर्व एट 15 इफ टर्न आर डबल द स्पीड, स्पीड को डबल करेगा तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का स्पीड के साथ क्या ताल्लुक है, स्क्वायर है तो वो 4 times हो जाएगा, क्वाड्रपल हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट वन है, लास्ट वन में कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग बाय मीन ऑफ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल, द डिफरेंस इन द टेंशन एट द बॉटम एंड द टॉप वुड बी, बॉटम और टॉप पे हमारे पास क्या होगा, बॉटम पे हमारे पास टेंशन मैक्सिमम होते हैं mv स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस mg वेट भी हमारे पास, ठीक है, और स्पीड हमारे पास 5gr होती रही, अभी हमें ऊपर हमने मालूम किया था 6mgr हमारे पास 6mgr आता, ठीक है, बॉटम पे हमारे पास। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस mg, इसमें भी इसी तरह v में gr पुट करो, ठीक है, एम जी माइनस एम जी जीरो ही हमारे पास फिर बचेगा ये, और अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो वही 6 ही बचेगा, तो ए ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास स्टार गाइड के एमसीक्यूज की डिस्कशन ख़त्म होती है।